हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये ड्यूटी के लिए जा चुके हैं तो मैं अपने काम में लग गई हूँ। इनके ड्यूटी जाने के बाद चेयर वगैरह बाहर रखी है क्योंकि हमने यहीं पे बैठ के चाय पी थी, तो चेयर और मैं सोफे पे बैठ गई थी। और उसके बाद झाड़ू पोछा एक बार सुबह हो चुका है, पर जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद जैसे खाना वगैरह बनाती हूँ तो सारी चीज़ की डस्टिंग वगैरह दोबारा से करके मैं दोबारा से पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर बाहर से वॉश करने का काम मैं इसी टाइम करती हूँ जब मैं झाड़ू लगाती हूँ। सुबह सुबह नहीं करती बाहर से वॉश करने का काम, क्योंकि उधर नहाने वगैरह का सारा काम रह जाता है, बर्तन धोने का काम रह जाता है, तो इस वजह से उधर मैं लास्ट में ही वॉश करती हूँ। तो उस कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मैं इस कमरे में आ गई हूँ। तो पहले मैं बिस्तर को समेट लूँगी, ब्लैंकेट्स की तय वगैरह लगा दूँगी और उसके बाद बेडशीट वगैरह सही करके उसे झाड़ के फिर इस कमरे में झाड़ू लगाऊँगी। और एक कंबल को मैं इसके कवर के अंदर रख देती हूँ, एक कंबल मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि मैं दिन में जैसे मुझे लेटना वगैरह या ओढ़ना होता है तो मैं उसे ओढ़ लेती हूँ। मैं मोस्टली रेड वाला कंबल ही बाहर रखती हूँ, वो ब्राउन वाला मैं कवर के अंदर रख देती हूँ। तो कंबल वगैरह की तय लगाने के बाद अब आती है बेडशीट को सही करके लगाने की बारी। तो इसको मैं बस हल्का सा झाड़ लूँगी वैसे, और फिर इसको दबा दूँगी चारों तरफ से। और इसी बीच मुझे मम्मी जी ने नीचे से आवाज़ दी थी, वो कुछ काम के लिए कह रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पे वीडियो को रोक के मैं नीचे चली जाऊँगी। हे फ्रेंड्स, चाय पी लीजिए। चाय बना के लाई हूँ, पर यार बिना अदरक की चाय है, तो अगर आप बिना अदरक की चाय पी सकते हैं तो आप भी आ जाइए। हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। 5:00 हो रहे हैं 7 मिनट और बारिश आ रही है, हल्की हल्की आ रही है बारिश, दिखाते हैं हम आपको। बारिश आ रही है और मेरठ साइड तो ओले पड़े हैं, बहुत जोरदार ओले पड़े हैं मेरठ साइड। मम्मा का फोन आया था क्योंकि हमारा गांव मेरठ साइड है तो वहाँ पे बहुत ओले पड़े हैं, बहुत ज़्यादा। मम्मी कह रही बहुत गर्जरा गर्जरा के ओले पड़े हैं बहुत ही तेज की, तो मम्मी का फोन इसलिए आया था, बारिश यहाँ पे भी हो रही है। मैंने कहा नहीं यहाँ तो नहीं हो रही, यहाँ पर तीन दिन से मैं बताई थी धूप भी है और घटा भी, तो आज बारिश हो रही है और होली तक कुछ ऐसा ही रहता है। अभी मैंने खाने की कोई तैयारी नहीं करी है, सुबह से गई हुई है लाइट और अब तक नहीं आई है। सुबह 9:45 की लाइट गई हुई है और अब तक लाइट नहीं आई है। और मुझे बनानी है दाल, तो दाल चने की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी क्योंकि भिगोने से ये हो जाता है कि कम सीटियों में बनके तैयार हो जाती है, वरना इसमें काफ़ी सारी सीटी लगानी पड़ती है। तो बस वही दाल वगैरह बनाती हूँ और करते हैं काम, क्योंकि वैसे मौसम ख़राब हो रहा है, फिर बर्तन वगैरह बाहर वॉश करने होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ट्राईपॉड मेरा फोन कॉल कहाँ है, पता नहीं, उस कमरे में ही है शायद। चलो फोन को लगाते हैं हम ट्राईपॉड पे, सोनी देख रही है वहाँ से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो मैं उस वाले कमरे पे इन्वर्टर के कनेक्शन पे प्याज टमाटर का पेस्ट पीस के लेके आई हूँ। साथ में पीसा है, अलग अलग नहीं पीसा है मैंने सब कुछ, और लहसुन भी उसी में पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो पेस्ट पीसा था उसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज का टुकड़ा बचा लिया था, उसे मैंने चमचे में कट कर लिया है, गैस जला के कुकर रख दिया है। तड़का लगाते हैं दाल में हम, तो कुकर गर्म होने लगेगा तो मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी और फिर जीरा डाल के प्याज डालूँगी। तो कुकर मैंने गैस पे रख दिया था, रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका, और उसमें फिर जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका तो मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया। जीरा जब भुन गया तो मैंने उसमें जो मैंने प्याज थोड़ी सी बचा के रखी थी वही काट के मैंने इसमें डाल दी है। और जब प्याज थोड़ा सा भुन जाए, उसका कलर चेंज होने लगे, तो मैं सूखे मसाले डालूंगी, गैस फ्लेम को स्लो करके डालूंगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में जो सभी के घरों में ईजिली मिलता है, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, ये सब ऐड करूंगी। और ये मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसे चला के फिर इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर अदरक का नहीं सॉरी
टमाटर लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूंगी, और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है सूखे मसालों के साथ। और ये पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे और अच्छे से भूनूंगी और ढककर भूनूंगी, क्योंकि जितना हम अच्छे से मसाले को भूनेंगे और ये जो टमाटर लहसुन प्याज का जो पेस्ट, जितना अच्छे से हम पेस्ट को भूनेंगे उतना अच्छा सब्जी बनके तैयार होएगी। तो मैंने इसमें पानी डाल के इसे ढक्कन से ढककर भून रही हूँ, और मुझे मसाला भूनने भूनने में ही 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, और हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे। और अभी इसमें से तेल अलग नहीं हुआ है तो इसे मैं चलाते हुए ही भूनूंगी और फिर दोबारा से ढककर भूनूंगी। तो ये देखिए तेल अलग होना शुरू हो गया है, तो यानी हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने दाल है हमारी वो डालेंगे, और मैंने आज डायरेक्ट तड़का लगाया है, अलग से नहीं किया दाल को। तो इसमें मैंने दाल डाल दी है, अंदाजे से पानी डालना है क्योंकि उड़द की और चने की दाल होती है तो इसमें सीटी ज़्यादा लगानी ही पड़ती है, और नमक मैंने तब नहीं डाला था अब डाला है। तो अंदाजे पानी ऐड कर दिया और अब ढक्कन लगा के इसमें विसल लगाएं। 5 से 6 सीटी तो लगानी ही पड़ी मुझे, क्योंकि वैसे तो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी। तो दाल बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, तो अब मैं रोटी बना रही हूँ। 2-3 रोटी बनाई हैं बस, मैंने ज़्यादा रोटी नहीं बनाई है क्योंकि इन ये ज़्यादा चावल खाना प्रेफर नहीं करते हैं, पर जब दाल चावल बनते हैं तो ये शौक से खाते हैं, पर फिर भी मैंने 2-3 रोटी बना दी हैं। अगर रोटी खाने चाहेंगे तो खा लेंगे, और मैं बहुत जल्दी काम करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश शुरू होने वाली। तो रोटी बनाने के लिए मैंने लोइयाँ बना के रख ली थी, और बस अब मैं डायरेक्ट उन्हें बेल रही हूँ और बस सेक रही हूँ। और बाहर बादल बहुत ज़्यादा ज़ोर से गरज रहे हैं, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश हो रही है। और वैसे मेरा बाहर का सारा काम फिनिश हो गया है, मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी कर लिया था, और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 7:15 का टाइम हो रहा है। और जब मैंने ये रोटी बना रही थी मैं आपको बता ही रही हूँ, बहुत तेज़ बारिश मतलब बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदाबांदी सी लगी हुई थी। तो बस इसी तरीके से रोटी बना के और फिर मैं जल्दी जल्दी से काउंटर वगैरह साफ़ कर लूँगी, और जितने भी बर्तन हैं उनको साथ के साथ वॉश कर दूँगी, क्योंकि मुझे बाहर बर्तन वॉश करने पड़ते हैं और बारिश में इम्पॉसिबल सा हो जाता है बर्तन मेरे लिए वॉश करना, क्योंकि पता है ये खुला है कैसे वॉश करूँ खुले में बर्तन। तो रोटी बन चुकी हैं, सारे बर्तन मैंने बाहर इकट्ठा कर लिए हैं, और मैं जल्दी जल्दी क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और मैं जल्दी जल्दी से वो कपड़ा जिससे काउंटर वगैरह साफ़ करती हूँ उसे गीला करके जल्दी जल्दी से गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दाल में पानी एक्स्ट्रा हो गया था तो जिस वजह से दाल का पानी उस पर गिर गया था गैस के ऊपर, तो वही सब साफ़ कर रही हूँ। और देखिए आपको दिख रहा होगा बादल कितने ज़ोर से गरज रहे हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। तो बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने जितने भी टोकरे में बर्तन जो मैंने उससे मतलब खाना बनाने से पहले वॉश किए थे उनको उठा के फटाफट से उसमें लगा दूंगी, क्योंकि बाहर वो गीले ही होते, अगर ये वाले बर्तन ना भी धुलते तो कम से कम जो धुले हुए हैं वो तो सूखे हुए बच जाते, तो इसलिए मैं सारे बर्तनों को फटाफट से उठा रही हूँ। और फ़ोन उठा के आपको मैं वॉइस ओवर कर रही थी अभी, मतलब जो वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर ये वीडियो कल नहीं जाएगी, ये परसों जाएगी। तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो गई है, बहुत तेज़ बारिश, और बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। मैंने कहा चलो पहले आपको दिखाती हूँ, बाकी वीडियो बाद में एडिट करूँगी, क्योंकि जब भी मुझे टाइम लगता है मैं कर लेती हूँ। लाइट गई चली गई है, बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि आपको दिखेगा। तो अब बारिश वैसे थोड़ी सी कम है, पर इसके बाद दोबारा से तेज़ हो गई थी, और जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वो मतलब वीडियो एडिट कर रही थी तब बहुत तेज़ हो रही थी। बर्तन वॉश करने के लिए किया था ना, तभी बारिश शुरू हो गई थी, मैंने बहुत मतलब बारिश में ही मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया था। हाँ इतनी तेज़ नहीं थी, पर हाँ हो रही थी कि अगर उसमें हम थोड़ी देर बाहर रहें तो गीले हो सकते हैं, इतनी तो हो रही थी। पर जैसे ही मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके मैं अंदर आई और बैठी, इतनी तेज़ की बारिश आई, जैसे मतलब धड़ 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 आवाज़ आने लगी कि बहुत तेज़ बारिश आ गई है, बहुत तेज़ की बारिश आई। और अब 7:20 हो चुके हैं,
मैं ये सोच रही हूँ ये तो बाइक से आएंगे, ये तो पूरी तरीके से गीले हो जाएंगे। मैं एक बार इन्हें कॉल करके पूछती हूँ कि कैसे आओगे, क्या है, क्या इनका वो है आने का प्रोग्राम, और पहले ये भी बताओ कि टाइम से आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी तो है इनका। यार बेमौसम बारिश है ये तो, सावन में बारिश इतनी होती, पर इस बार तो खूब हुई है बारिश, इस बार तो खूब धड़ाके से बारिश हुई है। और अभी मैंने खाना नहीं खाया, भूख तो लग रही है पर मैंने कहा और लग जाए भूख फिर खाना खाती हूँ। एक्चुअली मैं ना वीडियो एडिट करने बैठ गई थी, तो ये होता है कि जब तक वीडियो एडिट नहीं होती ना तो हम सोचते हैं कि इसको भी कर देते हैं, क्योंकि अगर बीच में छूट जाती है तो फिर वो छूट जाती है, फिर एंड टाइम पर ही करनी पड़ती है। तो ये तो चलो मैं इनको एक बार कॉल करके कन्फर्म करती हूँ कि क्या है इनका आने का प्रोग्राम, कैसे आएंगे, क्या नहीं है। तो ही गाइज यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।